हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग ग्रामर सेशन चल रहा है। हम लोगों का ग्रामर सेशन में बहुत सारे चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हमारा नरेशन हो गया, वॉइस हो गया आपका, जो है नरेशन सेशन, वॉइस, करेक्ट टेंस, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, और अभी हम लोगों ने जस्ट अभी फिनिश्ड किए हैं आपका सेंटेंस करेक्शन। यानी कितने सारे टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हम लोगों ने अच्छे तरह से कंप्लीट किए हैं। हर एक क्वेश्चन को 1998 से लेकर 2022 तक का सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, विथ एग्जांपल, विथ कॉन्सेप्ट, और उसके जितने भी हो सकते हैं उसका कॉन्सेप्चुअल देना, वो सारे के सारे मैंने दिया हूँ। और ये हर टॉपिक में ऐसा हुआ है, नरेशन हो, वॉइस हो, करेक्टेंस हो, डिटर्मिनर्स हो, या प्रीपोजिशन हो, सेंटेंस करेक्शन, हर क्वेश्चंस को डिटेल के साथ हम लोगों ने सीखे हैं। अगर आप वो सारे वीडियोस नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सारे के प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए हैं, वो आप वहाँ से देखिए और आप अपना ज्ञान को अपडेट कीजिए, है ना। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे टॉपिक है, वो है कम्बाइंड सेंटेंस। कंबाइंड सेंटेंस में अक्सर बच्चों की बहुत सारी गलतियां होती है और दिक्कतें भी होती है कि किसे कैसे बनाना है। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आया हूं, वो है कंबाइंड सेंटेंस। ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि ये कंबाइंड सेंटेंस है, और टू एंड टू का आज जो हमारा कंबाइंड सेंटेंस का सेशन है वो है टू एंड टू। तो देखिए, पहला में जो होता है ये टू, ये डबल टू होता है, टी ओ टू, इसमें ये सिंगल होगा, ये इसको नहीं रखना, ठीक है। टी डबल ओ होता है, टू एंड टू, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो पहला में होगा, सबसे पहला होगा टू एंड टू, ठीक है, ऐसा होता है, ये टू एंड टू होता है, इस टाइप में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले आप ठीक कर लीजिए, टू एंड टू होता है, क्लियर है। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सब देखिए, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें पता होना अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें जानना ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, देखिए कॉम्बाइंड सेंटेंस में, और खासकर ये टू एंड टू में, ये टू का क्या मतलब होता है, टी डबल ओ टू, ये टू का मतलब अगर देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा, भेरी, भेरी के स्थान पर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस टू का इस्तेमाल, टी डबल ओ का इस्तेमाल भेरी के जगह पर करते हैं, किसका जगह करते हैं, भेरी के जगह पर इस्तेमाल करते हैं, किसका, ये टू का, ठीक है। और इस टू का के लिए जो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कहने का अर्थ ये है, इस टू का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, तो सबसे पहला चीज़ ये कीजिएगा, जो पहला जो आपको सेंटेंस, जिसमें जब भी आपको ये बात तो पता होना चाहिए कि कॉम्बाइंड सेंटेंस में दो सेंटेंस दिया जाता है, एक यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस और यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, तो दो सेंटेंस को आपको जोड़ना रहता है। वो आप किस तरीके से जोड़ते हैं, वो सिंपल से जोड़ते हैं या कॉम्प्लेक्स से जोड़ते हैं, वो आपसे नहीं पूछेगा, आप किसी भी माध्यम से जोड़िए, ठीक है। सिर्फ आपको जोड़ना है, कंबाइन करना है, ठीक है, या सिंपल सेंटेंस कीजिए या फिर कॉम्बाइंड सेंटेंस, तीन सब्जेक्ट होता है, उसमें से आपको सिंपल जोड़िए या कॉम्बाइंड आपको कॉम्प्लेक्स जोड़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है। तो उसमें पहला दो सेंटेंस को जोड़ना ही कंबाइन कहलाता है, और वो हमारा जुटता जो हो वो हमें किससे जुटता है, कभी कभी प्रीपोजिशन से हम लोग जोड़ देते हैं, कभी कंजक्शन से जोड़ते हैं, तो इसके बदले में हम लोग जोड़ते हैं। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम आते हैं और इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए। तो मैंने अभी भी बताया, ये जो भेरी वर्ड है, इस भेरी वर्ड के लिए हम लोग क्या लाते हैं, टी डबल ओ टू। और एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उसे हम लोग बनाते हैं नेगेटिव, क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसे हम लोग बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, क्या बनाते हैं हम लोग, पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको, ये कब होता है, ये टू एंड टू का केस में होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो पॉजिटिव बनाते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्लियर है इतना आपको। चलिए अभी अब क्वेश्चन पर चलते हैं और अच्छा से हम लोग समझेंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ रामू इज वेरी वीक, तो रामू इज भेरी के जगह पर हम लोगों ने अभी खासकर बोले थे कि भेरी के जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, टी डबल ओ टू का। तो क्या आंसर हो जाएगा, रामू इज टी डबल ओ टू वीक, रामू इज
2 week। अब ये फुल स्टॉप, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट और ये जो रामू है ये दोनों एक ही पर्सन है, ये रामू ही यहाँ पर ही बन के आया है। तो जब भी डबल सेंटेंस रहेगा, दो सेंटेंस एक ही पर्सन डबल आ जाए, तो हम लोग इस जो वर्ड है इसको नहीं लिखते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इसके लिए हम लोग और ला चुके हैं, है ना। तो यहाँ से ये जो ही है ये तो कट गया, ये ही क्यों कट गया? क्योंकि ये रामू के लिए ही हम लोगों ने यूज किया था। तो कंबाइन करने पर एक ही सेंटेंस लिखते समय हम लोग एक वर्ड एक सब्जेक्ट लिख चुके हैं, तो दूसरा को लिखने का ज़रूरत नहीं है। इतना तो पता चल गया। अभी देखिए ही नहीं लिखे, अब इस फुल स्टॉप के लिए हम लोग ये यूज करेंगे टू। क्या यूज किया? टू। अब यहाँ पर ये देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है सेंटेंस? है नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बताए थे कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसे हमें क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव में। तो इसमें हम लोग ये जो नेगेटिव है कांट, देखिए ही कांट, ये ही इसलिए कट गया क्योंकि ये रामू ऑलरेडी, और कांट जो है कैन नॉट, ये जो है ये नेगेटिव है, तो इसे हम लोग बनाएंगे किसमें? पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में बनाने के लिए सीधा सीधा हम लोग सीधा क्या यूज करेंगे? वाक का। क्या यूज करेंगे? वाक का। तो आपको एक चीज़ समझ ये भी समझना चाहिए कि कैन नॉट के बदले में हम लोग ये यूज किए हैं टू का, और ये ही के लिए कहाँ पर? ये राजू आ गया और ये वाक का वाक आ गया। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? कैन नॉट के लिए आया ये टू, और ये भेरी के लिए आया ये टू, और ये ही के लिए, ये जो ही है ये इस ही के लिए ऑलरेडी राजू आ चुका है, रामू आ चुका है, इसलिए ये ही चला गया। इतना आपको समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आप बेहतर से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द टेबल इज वेरी हैवी, द टेबल इज वेरी, वेरी के जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे? टी डबल ओ टू, और हैवी का हैवी रहेगा। अभी देखिए द टेबल इज वेरी हैवी, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर ये आई है और यहाँ पर क्या है? द टेबल है। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है क्या? जब ये दोनों सेम नहीं है, अगर ये दोनों सेम रहता तो इस आई का ज़रूरत नहीं होता, इसे हम लोग नहीं लिखते। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ का सब्जेक्ट और यहाँ का सब्जेक्ट अलग अलग है, जब सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग रहे तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मी। क्या चीज़ के लिए करते हैं? फॉर मी का। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है? अलग है। अगर ये सब्जेक्ट सेम रहता तो इसका लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता, समझ पा रहे? अगर सब्जेक्ट अलग अलग रहा है, जैसे ये आई है तो आई के लिए क्या हो जाएगा? मी। तो फॉर मी। इस नोट के नोट के लिए ला रहे हैं, क्या लाते हैं? टू। और लिफ्ट है तो लिफ्ट के लिफ्ट लिख दीजिएगा। और ईट के मतलब क्या हो गया? ये टेबल का बात कर रहा है, ये ईट का मतलब क्या है? ये टेबल। तो ऑलरेडी इस ईट का मतलब टेबल लिख चुके हैं, तो इसको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा द टेबल इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, समझ गए? तो ये इतना ही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। राम वर्क वेरी हार्ड सो He will pass। देखिए इसमें ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और इस पॉजिटिव सेंटेंस जब भी रहे तो हम लोग बनाते हैं नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो बनाते हैं पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनाए, और पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव बनाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। राम वर्क भेरी के जगह पर क्या आएगा? टी डबल ओ टू। राम वर्क टू हार्ड। अभी देखिए यहाँ पर ये सो, ये ही किसके लिए आया है? ये बेचारे ये ही तो राम के लिए आया होगा, तो इस ही के लिखने की क्या है? ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ विल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? विल। और यहाँ पर क्या लिखा? पास। यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है। और यहाँ में हमें अभी भी बताया जब भी हमारा पास पॉजिटिव सेंटेंस रहे तो उसे हम लोग क्या बनाएंगे? नेगेटिव। तो हार्ड के बाद डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे नेगेटिव। पहले तो इसका नेगेटिव बनाते हैं नोट, उसके बाद इस यूज करेंगे टू पास, समझ पा रहे? राम वर्क टू हार्ड, तो ये इस हैवी के लिए आ गया टू। और ये जो है नॉट किसके लिए आया? क्योंकि ये पॉजिटिव सा, तो ये मुझे बनाना किस में था? नेगेटिव में, तो नेगेटिव बना दिया। और एक दो डबल टू था तो एक टू यहाँ पर हम लोगों ने इस्तेमाल कर दिया। किस लिए? इस हेल्पिंग वर्ब का बात कर सकते हैं, तो इसके लिए टू ला दिए। क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए ये टू लाएँ, अगर विल नॉट रहता फिर भी हम लोग लगाते हैं इस टू को ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए हम लोग देखते हैं। द क्वेश्चन वॉज वेरी इजी सो सी आंसर्ड इट, ठीक है। द क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन वॉज, अब वेरी के जगह पर क्या लाएंगे? टू लाएंगे। द क्वेश्चन वॉज टू इजी।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन और यहाँ पर जो ये सी, क्या ये दोनों एक ही है? तो बोलिएगा नहीं, डिफरेंस है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। ये भी सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है। तो जब सब्जेक्ट अलग हो तो यहाँ पर हम लगाते हैं फोर, और यहाँ सी है तो सी के लिए क्या लाएंगे? हर। सी के लिए क्या लाएंगे? हर। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस फिर से आ गए। अब पॉजिटिव सेंटेंस आते ही हम लोग लाते हैं क्या? नोट। तो फोर हर नोट टू, नोट टू आंसर आंसर नॉट टू आंसर, और इट का क्या यूज कर देंगे? इट तो ये ऑलरेडी आ ही चुका है तो इसका ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ये इट किसके लिए है? इस क्वेश्चन के लिए, तो ये क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये इट तो ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं तो इट की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्टी, आई कांट आंसर इट। द फिर सेम क्वेश्चन का तरफ सिर्फ, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस था, और ये कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको पॉजिटिव करेंगे। तो क्या होगा? द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। अब देखिए ये आई है, यहाँ पर क्वेश्चन है, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट में रहे तो यहाँ पर फोर आई का क्या हो जाएगा? मी। तो फोर मी, और इसके नॉट के लिए क्या आ जाएगा? टू, और यह आंसर के लिए ए एन एस डब्ल्यू आंसर, और ईट तो ऑलरेडी आ ही चुका है इस दो क्वेश्चन के लिए, ये ईट का मतलब ये क्वेश्चन है ना। तो आई थिंक आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का। राज वर्क वेरी हार्ड, ही विल नॉट फेल। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो राज वर्क, अब यहाँ वेरी का मतलब वेरी, मतलब वेरी का जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? टी डबल ओ टू, टू हार्ड। अब देखिए ये राज और ये ही दोनों सब्जेक्ट सेम है, ये राज ही तो है ही, तो यहाँ पर एक बात बताइए, क्या इस लिखना का ज़रूरत है? बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि सेम सब्जेक्ट जब सेम रहे तो हम लोग नहीं लिखते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस जब भी रहे तो हम लोग बनाते हैं पॉजिटिव। तो राज वर्क टू हार्ड टू फेल, तो मतलब इस चीज़ को आप समझिएगा, जब भी आप टू का इस्तेमाल करिएगा तो पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसे आप नेगेटिव में चेंज कीजिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसे आप पॉजिटिव में सेंटेंस कीजिए। ये आपका सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, द टी इज द टी इज वेरी हॉट, दे कैन नॉट ड्रिंक इट। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट। अब यहाँ में देखिए एक चीज़ समझिए, ये दे जो है ये और ये द टी, ये एक लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर देम, दे का क्या हो जाएगा? फोर देम, फोर देम। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है तो इसमें क्या बनाएंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट के लिए टू लाएँ, और ड्रिंक इट का मतलब टी है ऑलरेडी, तो इसे ऑलरेडी इट का मतलब टी लिख चुके हैं, तो इसको लिखने का क्या होगा? ज़रूरत नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, द हॉर्स इज द हॉर्स रन वेरी फास्ट, द हॉर्स रन वेरी फास्ट, ही कुड नॉट कैच। तो यहाँ रन्स होना चाहिए, रन्स है, हॉर्स है, एक हॉर्स है, तो ये हॉर्स के लिए रन्स होना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, द हॉर्स रन्स टू फास्ट, क्या हो जाएगा? रन्स टू फास्ट। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखिएगा, ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये आपको दिखाई देगा नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? नेगेटिव सेंटेंस है। और एक चीज़ देखिए, द हॉर्स है, ये द हॉर्स के लिए ही आया हुआ है, ये चीज़ भी आप समझ रहे हैं। तो यानी सब्जेक्ट सेम है, और सब्जेक्ट सेम रहने पर हम लोग डबल सब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं, तो हॉर्स के लिए ही आया है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए तो ये तो कट ही गया, अब बचा है कुड नॉट, कुड नॉट के लिए यानी नेगेटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव बनाना है, तो इसके लिए टू लाए, और यहाँ पर कैच का क्या हो जाएगा? कैच ही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
इसमें 10 क्वेश्चन रखें, 10 का 8 हो चुका है, 9वां और 10 को देख लेते हैं, उसके बाद ये इतना ही तक रह जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शो एंड डेट का प्रयोग, है ना। द सन वॉज वेरी अनकाइंड, द सन वॉज वेरी अनकाइंड फुल स्टॉप, ही डिड नॉट लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। तो देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, दिख रहा है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, द सन वॉज टू अनकाइंड। अब यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप के बदले पर आप ये बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो द सन वॉज वेरी अनकाइंड, ही किसके लिए आया होगा ये पहले बताइए, तो ये ही आया होगा, इसके सन के लिए आया हुआ है, ये आप समझ पा रहे हैं। और ये नेगेटिव सेंटेंस ये, और ये ही किस ऑलरेडी लिख चुके हैं द सन, तो इसके लिए ज़रूरत है नहीं। डिड नॉट के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिड नॉट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू का इस्तेमाल, है ना, टू। और ये लुक आफ्टर है, तो टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, और ये हिज पेरेंट्स है, तो हिज पेरेंट्स लिख दीजिए। तो जो रहेगा वो आप यूज़ कर दीजिए, लेकिन जो ऑलरेडी एक बार यूज कर चुके हैं उसे डबल रिपीट नहीं करना है, इस चीज़ को आप ज़्यादातर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मतलब टू एंड टू का। तो देखिए ये सबसे पहले ये देखना है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना नेगेटिव, और जो सेकंड सेंटेंस होगा, सेकंड वो ये जो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है और यहाँ से यहाँ तक सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में ही आपको पता चलेगा ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से कीजिएगा, है ना। तो ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं नेगेटिव, तो ये इसको सबसे पहले क्या करेंगे, द सन वॉज टू काइंड, द सन वॉज टू काइंड। आप यहाँ पर देखिए ये सो है, ये ही है, ही किसके लिए आया होगा बेचारा, ये ही तो आया होगा इसके सन के लिए ही आया होगा, तो ये ही तो बेचारा कट गया, है ना। अब क्या बचा, ये लुक्ड आफ्टर, यानी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव के लिए क्या लाएंगे हम लोग, नॉट, तो नॉट भी लेकर आ गए, और नॉट के बाद क्या यूज करेंगे, टू, नॉट टू लुक्ड आफ्टर हिज पेरेंट्स, नॉट टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन का सीरीज था, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने टू एंड टू में कंप्लीट कर चुके हैं, और आई थिंक आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, और ज़रूरी है कि आप ऑलरेडी भी पढ़े भी होंगे तो कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद, जय भारत।